खेल मंत्री राकेश पठानिया ने शनिवार को नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की बासा पंचायत के नगलाहड़ में स्थानीय यूथ क्लब द्वारा आयोजित करवाई जा रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में हिमाचल तथा पंजाब की 15 टीमें भाग ले रही हैं। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए राज्य में स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि नई खेल नीति जहां खिलाड़ियों का भविष्य संवारने में मददगार होगी, वहीं छुपी हुई ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को अपनी खेल कला के प्रदर्शन से पहचान करवाने का मौका भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए सभी पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल महाकुंभ का आयोजन शीघ्र ही किया जाएगा। पौने 3 करोड़ का गैस का प्लांट लग गया, 200 बिस्तरे के ऊपर हमारी गैस 24 घंटे उपलब्ध है। किसी किस्म की हमारे को अब घबराने की बात नहीं है। अगले 1.5 महीने में मैं 15 करोड़ की लागत से माँ शिशु अस्पताल का उद्घाटन करने वाला हूँ, जिसमें केवल माँ और बच्चे का इलाज होगा। ये 15 करोड़ का बिल्डिंग, 5 करोड़ का इक्विपमेंट, जहाँ पे केवल बच्चा और उसकी माँ उसके ट्रीटमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगले 1.5 महीने के अंदर हम नूरपुर में शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए मैं सरकार का नेताजी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमें 20 करोड़ पैसे दिया। आज मैं कामों की बात गिराने लगूं, 1700 करोड़ की फीता सिंह नहर हमने तैयार कर 20 गाँव में मरला मरला पानी लगने वाला कॉलेज का नई बिल्डिंग 18 करोड़ की तैयार हो गई। नूरपुर में 12 करोड़ का नया स्टेडियम बन रहा, लगभग 80% काम हो चुका है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नूरपुर से साहिल ढड़वाल। श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां जिला ऊना में परम पूजनीय राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज के सानिध्य में विराट वार्षिक महाकुंभ, श्रीमद् भागवत कथा, गीता प्रवचन, संत सम्मेलन एवं भजन संकीर्तन 1 से 13 फरवरी सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जा रहा है। वहीं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। श्री भक्तमाल कथा श्री गौरदास जी महाराज द्वारा 1 से 6 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से, वहीं श्री हाउ बिलाव जी महाराज वृंदावन वाले 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे भजन संकीर्तन करेंगे। गीता प्रवचन श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा 7 से 9 फरवरी तक प्रातः 11 बजे, श्रीमद् भागवत कथा स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी द्वारा 7 से 13 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। आप सभी इस विराट वार्षिक महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम का आयोजन कोविड नियमों के तहत किया जा रहा है।